ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज के अंदर आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा सरफेस फिनिशिंग के हवाले से लेक्चर होगा। इसके अंदर हम सीखेंगे कि सरफेस फिनिशिंग की स्ट्रेटजी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की थी स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग। अगर आप वो स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज के अंदर सरफेस फिनिशिंग की एक स्ट्रेटजी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक ऐसी सरफेस के ऊपर जो कि हमने सेलेक्ट की हो। तो इस सरफेस के इस स्ट्रेटजी के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जिस सरफेस के ऊपर हम सेलेक्ट स्ट्रेटजी चलाना चाहते हैं हमें उस सरफेस को सेलेक्ट करना होगा, और सिर्फ उसी सरफेस के ऊपर चलेगी जो कि सिलेक्ट होगी। जैसे मैं ये एक सरफेस सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी स्ट्रेटजी जो है ये इसी सरफेस के ऊपर बनेगी। तो इसका एक फ़ायदा तो हमें ये हुआ कि हमें इसके ऊपर बाउंड्री लगानी नहीं पड़ेगी, बल्कि उतनी ही सरफेस के ऊपर ऑटोमेटिक हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो जाएगा। हमें वहाँ पर कोई स्पेसिफिक जो है वो बाउंड्री क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी। और दूसरा इस टूल पाथ की ये खूबसूरती है कि ये मल्टी एक्सिस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मल्टी एक्सिस की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम थ्री एक्सिस के अंदर इस स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उनको हम जो है वो देखेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो स्ट्रेटजी है इसको मैं शुरू से क्रिएट करता हूँ। उसके लिए टूल पाथ्स के अंदर जाएंगे, फिनिशिंग के अंदर जाकर हम यहाँ से सरफेस फिनिशिंग की स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास इसका ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब हमने जो सरफेस जिसके ऊपर हम मशीन करवाना चाहते हैं और वहाँ पर हम बाउंड्री भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उस सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें देखिए कि ये कुछ इसके अंदर हमारे पास सेटिंग्स हैं जो कि पावर मिल ने डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं। आप इनको एज इट इज़ रहने दें जिस तरह ये हैं। हमें जो इसके अंदर चेंज करना है वो स्टेप ओवर की वैल्यू को चेंज करना है, और इसके साथ साथ प्रीव्यू के बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर हमने जिस सरफेस को सिलेक्ट किया होता है उसके ऊपर एक पैटर्न बन जाता है। अब इस पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लीनियर है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये इसका जो एंगल है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन जाए। तो उसके लिए मुझे पैटर्न के अंदर आना है और यहाँ पर जो पैटर्न डायरेक्शन है उसको यू करके इसको हम प्रीव्यू करेंगे। तो ये देखें कि इसकी जो डायरेक्शन है ये अब 90 डिग्री के ऊपर बन चुकी है। तो इस तरह हम इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑर्डरिंग की ऑप्शन है, टू वे वन वे। मैं आपको इसको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टू वे रखें ताकि आपके नंबर ऑफ़ लिफ्ट जो हैं वो कम से कम आए, और बाकी जो सेटिंग है उसको आप एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब आगे चलते हैं लिमिट्स की तरफ। तो इसमें देखें कि हमारे पास लिमिट्स हैं जो यू के लिए अलहदा हैं और वी के लिए अलहदा हैं। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और यू की जो मेरी लिमिट है इसको मैं ऑन करता हूँ। चूँकि मैंने पैटर्न डायरेक्शन यू सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यू को चेक करूँगा। अब इसके बाद मेरे पास ये ज़ीरो है। ज़ीरो जो है वो टूल पाथ का स्टार्ट है। जैसे ये मेरा अगर मैं देखूँ तो टूल पाथ का स्टार्ट ये है, यहाँ से टूल पाथ स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ीरो से आप कितने मिलीमीटर आगे की तरफ आना चाहते हैं? मैं इसको कहता हूँ कि मैं 200 मिलीमीटर आगे आना चाहता हूँ। तो मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो ये एक्सटेंड करके टूल पाथ को 200 मिलीमीटर तक आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं इसकी लिमिट्स को। अगर आप इसको पूरा चलाना चाहते हैं तो लिमिट्स को सिंपली अनचेक करें और उसके बाद इसको प्रीव्यू करें। तो इस तरह हम लिमिट भी करवा सकते हैं और इसकी जो चलने की डायरेक्शन है उसको भी चेंज करवा सकते हैं। सरफेस फिनिशिंग की स्ट्रेटजी थ्री एक्सिस के अंदर मैं आपको फिर बताता चलूँ कि किसी एक स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर विदाउट बाउंड्री के इस्तेमाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमें इसमें बाउंड्री लगाने की ज़रूरत हमें इस टूल पाथ में नहीं पड़ती। तो इस ये सरफेस फिनिशिंग का इस जो टूल पाथ है वो इस्तेमाल होता है। बहरहाल मल्टी एक्सिस के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं कमिंग लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। अभी हम चूँकि थ्री एक्सिस के बारे में देख रहे हैं तो थ्री एक्सिस के अंदर ही हम इसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब चलते हैं आगे लीड एंड लिंक्स के अंदर। तो इसमें हमें लिंक्स के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि जो फर्स्ट चॉइस है मैंने ऑन सरफेस रखी है, सेकंड चॉइस सेफ और डिफ़ॉल्ट जो है वो सेफ है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टेप ओवर की वैल्यू जो है वो मैंने याद रहे 1 रखी है।
ये देखें, ये हमारा टूल पाथ जो है उसी सरफेस के ऊपर जनरेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सरफेस फिनिशिंग। ना हमें यहाँ पर कोई बाउंड्री लगाना पड़ी और ना ही हमें कोई ऐसा टूल पाथ इस्तेमाल करना पड़ा 3D ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी। जस्ट सरफेस को सिलेक्ट किया और उसने ऑटोमेटिक उस सरफेस के ऊपर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो पैटर्न है टूल पाथ का जो बन सकता था वो इसने बना दिया है इसके ऊपर। तो इस तरह सरफेस फिनिशिंग की स्ट्रेटेजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 एक्सिस मशीन्स के अंदर। मल्टी एक्सिस के अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम कमिंग लेक्चर के अंदर में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होगी। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ, इस स्ट्रेटेजी को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक सर्फेस के ऊपर टूल पाथ चलाना चाहें और वहाँ पर बाउंड्री हम लगाना ना चाहें, तो हम डायरेक्टली उस सर्फेस को सिलेक्ट करके वहाँ पर टूल पाथ बना सकते हैं। मशीनिंग के अंदर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि सम टाइम हम हमारी जो डाई होती है वो किसी एक जगह से कह लें कि वहाँ पर कोई डेंट पड़ जाता है या वहाँ पर कोई टूल लग के वहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो हमें वहाँ पर वेल्डिंग फिल करके दोबारा से मशीन करना पड़ती है। तो अब वहाँ पर उसी स्पेसिफिक सरफेस को आप सिलेक्ट करें और वहाँ पर आप टूल पाथ बना के उसको चला सकते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसको हमने आज स्टडी करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।